5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपयों के नोट जारी किए गए हैं। इनमें से 500 और 1000 का चलन काफी बड़े पैमाने में आर्थिक व्यवहार में उपयोग किया जा रहा है। इन दोनों चलन में जाली नोटों का प्रमाण आजकल बहुत ज्यादा है, इसीलिए यह जरूरी है कि सभी लोगों को चलन की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और साथ ही जाली और असली नोट के बीच क्या फर्क है यह पता होना चाहिए। RBI ने भारतीय नोट की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम लिए हैं। सी थ्रू रजिस्टर। नोट के बाएं कोने के बीच में आगे और पीछे की ओर फ्लोरल डिजाइन प्रिंट की होती है। आधा अंक आगे की ओर और आधा अंक पीछे की ओर प्रिंट होता है। इसकी वजह से नोट को लाइट के सामने रख के देखते हैं तो उसमें 500 अंक में लिखा हुआ देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क। नोट में फ्लोरल प्रिंट के नीचे की तरफ एक मार्क है जो एम्बोज होता है। अलग अलग नोट में मार्क का आकार अलग अलग होता है, जिसे छू के पता कर सकते हैं कि 500 की नोट में यह मार्क गोलाकार होता है। वॉटर मार्क। जब आप नोट को लाइट के सामने रख के देखेंगे तो नोट के इस खाली भाग में गांधी जी की छुपी तस्वीर और 500 अंक में लिखा हुआ देख सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेड। नोट में जो टूटा हुआ थ्रेड दिख रहा है वो असल में एक पूरी लाइन है, जिसे आप लाइट के सामने रख के देखेंगे तो वो एक पूरी लाइन दिखेगी। उसमें RBI और भारत दोनों लिखा हुआ होता है। माइक्रो लेटर। नोट में महात्मा गांधी जी की तस्वीर के पीछे अक्षर और अंक में RBI और 500 लिखा होता है, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्टिकली वेरिएबल इंक। नोट को सीधा पकड़ने पे अंक 500 का रंग हरा दिखता है, लेकिन नोट का एंगल बदल के देखेंगे तो ये नीला दिखेगा। लेटेंट इमेज। नोट के दाहिने तरफ के हिस्से में गांधी जी की तस्वीर के पास वर्टिकल बैंड में एक छुपी तस्वीर है। नोट को आंखों के स्तर पे रखने से 500 अंक में लिखा हुआ दिखता है। फ्लोरोसेंस। नोट में नंबर पैनल को फ्लोरोसेंस शाही से प्रिंट किया हुआ होता है। नोट बनाते समय उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स डाला जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स को सिर्फ यूवी लाइट में ही देख सकते हैं। इंटालियो प्रिंटिंग। नोट के बीच में लिखा हुआ 500 रुपया और नोट के ऊपर के हिस्से में लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेस्ट इंक से लिखा गया है, जिसे आप स्पर्श करके महसूस भी कर सकते हैं। प्रिंटिंग ईयर। नोट के पीछे की तरफ उसका प्रिंटिंग ईयर लिखा होता है, जो नोट के मध्य में नीचे की ओर होता है, जो हम साफ साफ देख सकते हैं। इस जानकारी से आप सही नोट की परख कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। इसीलिए जाली नोटों के प्रचलन को रोकें और लोगों को जागरूक करें।